मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी व्यक्ति को इमोवेबल प्रॉपर्टी जो गिफ्ट डीड के द्वारा दी गई है उसे कब कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात की गई गिफ्ट को कैसे कैंसिल कराया जा सकता है और वो गिफ्ट की हुई वस्तु कैसे वापस प्राप्त की जा सकती है। इस टॉपिक में सबसे पहले ये देखना होगा कि वो वैलिड गिफ्ट थी कि नहीं, अर्थात जो गिफ्ट दी गई वो वैध तरीके से दी गई कि नहीं, वॉइड उसको डिक्लेयर कराना होगा। वैलिड गिफ्ट सारी कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं गिफ्ट के लिए जो आवश्यक हैं, इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन है किसी भी व्यक्ति के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कॉम्पिटेंट हो, एज उसकी सही हो, साउंड माइंड हो, कोई दबाव में नहीं हो, वो सब शर्तें होती हैं, लेकिन इसमें कंसिडरेशन गिफ्ट में नहीं होता है। अब सेक्शन 122 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है उसमें वो एक तो गिफ्ट जो आप कर रहे हैं वो वस्तु एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी की कोई गिफ्ट नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरा, गिफ्ट करने का वो व्यक्ति अधिकार रखता हो जो गिफ्ट दूसरे को डोनर दे रहा है, डोनी को दे रहा है। तीसरा, कॉम्पिटेंट हो, डोनर कॉम्पिटेंट होगा तभी वो गिफ्ट डोनी को दे सकेगा। जो भी व्यक्ति संपत्ति के लिए गिफ्ट कर रहा है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी बिना किसी दबाव कोर्शन अंडी इन्फ्लुएंस वगैरह के होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं होगा उसमें, बिना प्रतिफल के पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, बल्कि वो स्वेच्छा से अपनी खुशी से किसी को गिफ्ट कर रहा हो। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी, डोनी उसे उसके जीवन काल में एक्सेप्ट कर ले जो भी गिफ्ट उसे दी गई है, प्राप्तकर्ता जो है। तीसरा नेक्स्ट है रजिस्टर्ड, वो अगर गिफ्ट डीड है तो वो ही होनी चाहिए। दूसरा, गिफ्ट कंडीशनल भी हो सकती है, कोई ऐसी शर्त उसमें लगी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरी खाने दवा का इंतजाम आप करेंगे, तो ये वैलिड गिफ्ट है, कोर्ट के माध्यम से इसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। इसमें आपसी दोनों पार्टीज की, डोनर डोनी की कंसेंट भी हो सकती है, सहमति हो सकती है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। सेक्शन 10 से 34 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कंडीशन दी गई है उनका वायोलेशन उल्लंघन इसमें नहीं होना चाहिए। वैलिड गिफ्ट को चैलेंज किया जा सकता है, कोई भी ऐसी वैध जो गिफ्ट है उसको चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 126 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत रिवोक भी कैंसिल भी कराया जा सकता है कोर्ट से। कंडीशन अगर ऐसी कोई है कि घटना घटित होने पर उसके कंट्रोल में नहीं है, और घटना घटित होने पर डोनर के कंट्रोल में घटना नहीं होनी चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। दूसरा, कोर्ट के माध्यम से जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसमें वही सब ग्राउंड्स लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कंसिडरेशन एक तो नहीं होना चाहिए, मतलब पैसे के लेन देन में कोई गिफ्ट नहीं की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कराने के लिए जो गिफ्ट है वो कंसेंट फ्री थी, मतलब उसमें फ्री कंसेंट थी, कोई कोर्शन नहीं था, दबाव नहीं था, अंडी इन्फ्लुएंस नहीं था, अनुचित कोई प्रभाव आदि नहीं था, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या व्यपदेशन झूठ नहीं बोला गया था, फ्रॉड कपट वगैरह नहीं था। गिफ्ट जो डीड की जाती है वो सेक्शन 126 कैन बी रिवोक, सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसको रिवोक यानी निरस्त किया जा सकता है, किसी भी वैलिड गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। अब किसी भी व्यक्ति ने अपनी जो गिफ्ट है उसमें ऐसी कोई कंडीशन डाल रखी है तो वो स्वयं या उसके एलआरस जो विधिक प्रतिनिधि है वो इस गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। 3 साल जब जैसे ही उसकी जानकारी में आता है कि उसके साथ कोई वो हुआ है तो 3 साल तक उस तारीख से जिस दिनांक को उसको पता नॉलेज हुई उस दिन से वो 3 साल के अंदर कोर्ट में केस लगा सकता है। इसके लिए एक अच्छे एडवोकेट को जो जानकारी रखते हैं उसे इसे एंगेज करना होगा, पार्टी को नोटिस देना होगा पहले सूचना, उसके बाद वो कोर्ट केस लगा सकता है। कोर्ट केस में सिविल कोर्ट के अंदर लगाना होगा, इसमें कोर्ट फीस आपको पे करनी होगी। रिलीफ के लिए सिविल कोर्ट के अंदर जब दावा लगाया जाएगा पूरा वो दावा मेरिट पर सिविल कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर डिसाइड किया जाएगा। अपने ग्राउंड्स आपको बतलाने होंगे कि वैलिड गिफ्ट नहीं थी बल्कि सारी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हुए, और यही जो मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, गिफ्ट कराने का वो अधिकार रखता हो, डोनर कॉम्पिटेंट नहीं था, जो भी चैलेंज करते हैं इसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन का दावा आप प्रेयर रिलीफ क्लॉज में उसमें मांग सकते हैं, सूट फॉर पजेशन, पजेशन का भी आप आधिपत्य मांग सकते हैं। डिक्लेरेशन में घोषणा की जाए मेंस प्रॉफिट, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी आप सूट में, और इंजंक्शन वगैरह की भी प्रेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी कोई गिफ्ट डीड की जाती है उसके द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में उस
गिफ्ट को चैलेंज करना होगा, गिफ्ट डीड को, और जो भी अचल संपत्ति एग्जिस्टेंस में होनी थी जिसको आपने दिया है वो किसी इन चीज़ों कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के जो कंडीशंस हैं फुलफिल नहीं हुई हैं, वायोलेशन हुआ है, तो इसको गिफ्ट डीड को चैलेंज करके वो व्यक्ति स्वयं डोनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव चैलेंज करके उस प्रॉपर्टी को वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब पर मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं इस चैनल पर सभी कानूनी जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध कराता आ रहा हूँ। आपका जो प्रेम और स्नेह इस चैनल को मिल रहा है मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।